हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज ब्लॉग तो नहीं है, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने एक ब्लॉग डाला था मैंने कि आप कार नहीं ले पाऊँगा, तो उसका रीज़न ये था कि हमारा कार लेने का नहीं लेने का कि हमारे पास आईटी फाइल नहीं था। आईटी फाइल का मतलब होता है कि इनकम प्रूफ। जो सरकारी जॉब करते हैं उनके पास इनकम प्रूफ होता है, तो हमारे पास तो इनकम प्रूफ कोई नहीं था। और हमारे मतलब जो बैंक से मतलब बैंक में जो पैसा था वही मतलब शो कर रहा था, तो बैंक में पैसा शो करने से नहीं होता। आईटी फाइल होता है ना, तो उसको जल्दी लोन पास हो जाता है, लोन मिल जाता है। तो इसी की वजह से हमारे लोन पास नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद मेरे को ना मतलब मैं एक दिन ब्लॉग भी नहीं किया था, उसका रीज़न ये था कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं अंदर से ना ऐसा लग रहा था ना कि मतलब गाड़ी ले लो, कैसे भी करके लो, तो गाड़ी लो ही लो। बस ऐसे लग रहा था कि गाड़ी लेना ही लेना है, कैसे भी करके लेना ही लेना है। आईटी फाइल नहीं हो तो भी लेना ही लेना है, ऐसे मेरे मन का आ रहा था। तो ये तो शायद भगवान की दया है जो हमारे गुरुजी हैं। और फिर उसके बाद मेरे को फिर मैंने ना सोचा कि चलो एक बार ना मारुति कंपनी वाले से बात करता हूँ। तो मैंने मारुति कंपनी वालों से बात किया, तो उन लोगों ने ना मेरा फाइल चेक किया, सब चीज़ चेक किया। तो उन लोगों ने एक्सिस बैंक से ना उन लोगों ने बात किया है, अभी फाइनल नहीं है कि मतलब हो ही जाएगा लोन। उन लोगों ने बात कर लिया है, बोल तो रहे हैं कि हो जाएगा फाइल वोल सर, हम लोगों का डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, वो लोग बोल रहे थे हो जाएगा। और ऑन रोड प्राइस पे 80% लोन हो रहा है। तो यही है कि मेरे को मतलब ऐसे लग रहा है कि हाँ चलो अब देखते हैं। वो गाड़ी जो हम लोग लेने वाले थे वो टाटा पंच थी, उसका प्राइस ज़्यादा था, तो उसका बोल रहे थे कि आपका आईटी फाइल नहीं रहेगा, तो मतलब आपको ज़्यादा डाउन पेमेंट जमा करना पड़ेगा। और इस जो मारुति की गाड़ी है उसमें भी यही सिस्टम है कि हमारे पास आईटी फाइल नहीं है, तो इसका भी ना डाउन पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसका रीज़न ये हो रहा है ना कि ये मारुति की गाड़ी होती है ना जो बहुत सस्ती होती है, तो इसका तो डाउन पेमेंट हम आराम से कर सकते हैं। जितना उसका कर रहे थे उतना ही में इसका हो जा रहा है, और 80% उसका भी हो रहा था और 80% इसका भी। उसमें मेरे को ना 3.5 मतलब 3 से 4 के बीच में ना मतलब पैसा जमा करना पड़ रहा था डाउन पेमेंट, 3 लाख 4 लाख के बीच में। तो वो तो नहीं हो पाया, लेकिन इसमें ना मतलब 1.5 से 2 के बीच में ही ना हमारे को एडजस्ट हो जाएगा। और फाइनली ना हम लोगों ने बात कर लिए हैं, और टेस्ट ड्राइव के लिए भी उन लोगों ने बोल दिए हैं। तो टेस्ट ड्राइव का बात ये है कि उन लोगों के पास जो हम लोग गाड़ी लेने वाले हैं, आप लोगों से छिपाना क्या, हम लोग वेगनार लेने वाले हैं, तो वेगनार लेने वाले हैं, तो वो गाड़ी ना टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोगों को बोले सर कि आपको ऑटोमेटिक ही चाहिए, तो मेरे पास ना सेलेरियो खड़ी है। तो सेलेरियो उन लोगों ने ना हम लोगों को टेस्ट ड्राइव के लिए लेके आए हैं, और हम लोग टेस्ट ड्राइव करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को 2-4 दिन बाद वो वेगनार लेके आएंगे, और फिर वेगनार का ना हम लोग वो मैनुअल होगी, उसमें गियर होगा। तो हम लोग बस ये मंगा रहे हैं देखने के लिए कि हमारे लिए कंफर्टेबल है या नहीं, वो तो मैं चला पाऊंगा या नहीं। जब वो भी रियल में हालांकि वो भी लेके आएंगे जो टेस्ट ड्राइव के लिए ही होगा, लेकिन ना क्या पता मैं चला पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक तो मैं चला लेता हूँ, मैनुअल नहीं चला पाता हूँ। तो वही है कि 2-4 दिन बाद आएगा, और हम मतलब 20 से और 30 के बीच में ना हमारा लोन जो है पास हो जाएगा, फाइनेंस पास हो जाएगा। तब आप लोगों को कंफर्म बता दूंगा कि हाँ मतलब लोन पास हुआ, अभी कंफर्म नहीं कि पास ही होगा। वो लोग बोल रहे थे कि आप चेक कर लो टेस्ट ड्राइव के लिए, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है फिर टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं, इसमें क्या है, पैसा तो लगना है नहीं, फ्री में ही था वो। तो हम लोगों ने मंगा लिए, और फिर वो आएंगे और हम लोग टेस्ट ड्राइव कर लेंगे, और वेगनार भी आएगी तो वो उसका भी टेस्ट ड्राइव कर लेंगे हम लोग फ्री में। तो मैंने ना जो वेगनार आएगी ना, तो मतलब प्रियंका के मम्मी पापा को भी मैं दिखा दूंगा कि गाड़ी कैसी है। तो फाइनल यदि उस गाड़ी का ना 12 वीक का ना वेटिंग पीरियड दिखा रहे हैं, मतलब 84 दिन है वेटिंग पीरियड। तो देखते हैं, क्या पता ना वो जल्दी भी मिल सकती है, और मतलब 2 या 3 महीने के अंदर वो भी मिल जाएगी। तो बुकिंग कराने के लिए प्रोसेस है, जिस दिन हमारा लोन पास हो जाएगा उस दिन हम आप लोगों को मतलब बता दूंगा ब्लॉग, स्पेशल ब्लॉग बना के कि हमारी गाड़ी लोन पास हो गया है, और हम गाड़ी का भी देखेंगे।
आपको मतलब वो गाड़ी आएगी फिर कब मिलेगी क्या नहीं मिलेगी वो सारा डिटेल्स दे देंगे। मैं आपको ये चीज़ बताने के लिए सोच रहा था कि मैं ना एक दिन ब्लॉग नहीं किया और मेरे को ना टेंशन से ना मतलब ना ऐसे लग रहा है ना मेरे को बचपन से आदत है मतलब कि ऐसे कि चलो मेरे को लेना है ना तो ले लो, बाद में ना बाद में ही रह जाता है, अभी जो हो रहा है ना वो कर लो, बाद में तो होगा या नहीं होगा वो तो पता नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भगवान की दया से ना मतलब ना हो रहा है ना गाड़ी लेने का तो ले लो, क्योंकि बाद में आप ले पाएंगे या नहीं तो वो देखी जाएगी, जो होगा जो हो, नहीं होगा वो तो बाद की बात है। तो फाइनल हो गया है, अब टेस्ट ड्राइव की आप थोड़ी बहुत वीडियो है, आप टेस्ट ड्राइव की वीडियो मतलब जो हम लोग बनाएंगे वो आप देख लेना। और अभी हम लोग थोड़ा सा जल्दी में हैं और अभी गाड़ी आ चुकी है साईं सर्विस से टेस्ट ड्राइव के लिए, तो अभी चलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। और ये देखिए गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए खड़ी है, हम लोग भी रेडी हो चुके हैं, हम बाबू और प्रियंका चलते हैं आप टेस्ट ड्राइव के लिए। घूम के आएंगे, घूम के आएंगे। अभी हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर और बाबू तो रो रहा है, बाबू ये रो रहा है, इधर ही चलना है सर, यहाँ नहीं वहाँ पे थोड़ी सी ना यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है मंदिर है, तो वहाँ पे बड़ा सा ग्राउंड है वहाँ पे लेंगे टेस्ट ड्राइव। नहीं बेटा चुप चुप, ये देखो, नहीं बाबू नहीं, अभी न्यूट्रल में है ना। हाँ अभी न्यूट्रल में है, ब्रेक लगा के गियर लगा, ब्रेक पैडल प्रेस करके नीचे, हाँ ये हैंड ब्रेक निकालना है। छोड़ दोगे वैसे स्टार्ट हो जाएगा, ये तो वैसे टाटा पॉइंट से ना बहुत आगे तक दिखता है, हाँ। तो बहुत ज़्यादा करता है, इसमें बहुत अच्छा है सिस्टम दिख रहा है पूरा, उसका भी तो वैसा ही बॉडी होगा ना, मारुति की गाड़ी में सभी में ABS आता है ना। अभी हम लोग का टेस्ट ड्राइव हो गया और बाबू प्रियंका इधर सर बैठे हैं, तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ गाड़ी को, तो मतलब जहाँ पे हम लोग का रूम है वहाँ तक लेके जाऊँगा मैं, 10 दिन पार हो सब तो फिर ये सर जा रहे हैं, अब सर आए थे टेस्ट ड्राइव के लिए, गाड़ी तो चलाने में ये बहुत अच्छी लगी, मैं एकदम सीधे यहाँ तक लेके आ गया जहाँ पे हम लोग टेस्ट ड्राइव लिए, वहाँ से यहाँ तक लेके आ गया, ये चलाने में बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो यही है आज का ब्लॉग, ऐसा ही रहेगा सिंपल सी, तो बस कुछ भी नहीं, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।